मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्लैनेट को देखते हैं जहां मैक्सिमल्स नाम के रोबोट्स रहते थे जो एनिमल्स की तरह दिखते हैं। फिर हम यूनिक्रॉन को देखते हैं जो एक मॉन्स्टर था, वो अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाता था। बाद में हमें पता चलता है कि मैक्सिमल्स के पास एक ट्रांसवर्प की है जिससे पोर्टल खोलकर किसी भी यूनिवर्स में जाया जा सकता है, और इसी का यूज करके यूनिक्रॉन यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। इसलिए वो अपने रोबोट्स को ट्रांसवर्प की को लाने के लिए मैक्सिमल्स के ग्रह पर भेजता है, लेकिन उससे पहले ही सारे मैक्सिमल्स अलर्ट हो गए थे। इसलिए उनका लीडर एप्लिंग, जो एक गोरिल्ला था, वो एक दूसरे गोरिल्ला से कहता है कि आज से तुम सारे मैक्सिमल्स के लीडर हो और तुम जितनी जल्दी हो सके सभी के साथ इस की को लेकर यहाँ से चले जाओ ताकि ये की कभी यूनिक्रॉन को ना मिल पाए। इसके बाद यहाँ पर यूनिक्रॉन का सबसे पावरफुल रोबोट स्कर्ज आ जाता है और उसको बड़ी आसानी से जान से मार देता है, लेकिन तब तक बाकी मैक्सिमल्स की को लेकर वहाँ से जा चुके थे, जिसके बाद यूनिक्रॉन गुस्से में आकर उनके पूरे प्लेनेट को खा जाता है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है और हम नोआ को देखते हैं जो कि अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहता था। उसके छोटे भाई के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए आज वो एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उस कंपनी का बॉस उसको रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद हम एलिना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शहर के एक पुराने म्यूजियम में काम करती थी। अब यहाँ म्यूजियम में एक पुराना चील का स्टैचू आता है जिसको देखकर एलिना उस पर स्टडी करने के लिए परमिशन मांगती है, लेकिन उसे इसकी परमिशन नहीं मिलती, इसलिए वो शाम को अकेले ही उस स्टैचू को स्कैन करने लगती है। तभी हमें नोआ को दिखाया जाता है जो जॉब ना मिल पाने की वजह से काफी दुखी था, इसलिए वो अपने एक फ्रेंड से मिलता है जो एक चोर था। वो नोआ से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए एक कार चुरानी होगी। अब थोड़ा सोचने के बाद नोआ भी उसकी बात मान जाता है। फिर ये दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां नोआ चुपके से उस कार को ढूंढ लेता है। फिर वो किसी तरह उस कार के लॉक को तोड़कर उसके अंदर बैठ जाता है। दूसरी ओर जब एलिना उस चील के स्टैचू पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तभी उससे वो स्टैचू टूट जाता है और उसमें वही ट्रांसवर्प की थी। अब एलिना को समझ नहीं आता कि ये क्या है, तभी वो की एक्टिवेट हो जाती है और उसमें से एक रोशनी निकलती है जो कि स्पेस तक जा रही थी, लेकिन इंसान इस रोशनी को देख नहीं सकते थे। तभी ऑप्टिमस प्राइम की नजर उस रोशनी पर पड़ती है जिससे वो सारे ऑटोबॉट को अपने सीक्रेट अड्डे पर आने के लिए कहता है। इसके बाद सारे ऑटोबॉट्स उस ठिकाने पर आने लगते हैं। दूसरी ओर जब नोआ उस कार के अंदर बैठा होता है तो तभी वो कार भी एक्टिवेट हो जाती है और नोआ को लेकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कार नहीं, एक ऑटोबॉट होता है जिसका नाम मिराज था। फिर वो ऑप्टिमस प्राइम के बुलाए ठिकाने पर पहुंच जाता है। नोआ इन सभी रोबोट्स को देखकर काफी डर जाता है। फिर मिराज नोआ से कहता है कि डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि अभी जो म्यूजियम से एक रोशनी निकली थी वो ट्रांसवर्प की थी और मुझे लगता था कि ये की सालों पहले ही कहीं खो चुकी है। अब हमें इसे किसी भी तरह से हासिल करना होगा क्योंकि इसके जरिए हम पोर्टल खोलकर अपने घर लौट सकते हैं। जिसके बाद ये सब लोग नोआ को म्यूजियम भेज देते हैं उस ट्रांसवर्प की को हासिल करने के लिए। और फिर नोआ जैसे ही म्यूजियम पहुंचता है तो उसे वहां पर उसे एलिना मिलती है, और अब इतने में यहां स्कर्ज भी अपने साथियों के साथ आकर उन पर हमला कर देता है क्योंकि ट्रांसवर्प की रोशनी को स्कर्ज ने भी देखा था। फिर कुछ टाइम के बाद यहां ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स भी आ जाते हैं, और अब यहां पर इन दोनों टीम्स के बीच में एक फाइट होती है, लेकिन स्कर्ज बहुत पावरफुल था और वो ऑप्टिमस प्राइम को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो बम्बल बी को भी मार डालता है। फिर तभी वहां पर एरेजर नाम का मैक्सिमल्स आकर वहां चारों तरफ आग बरसाने लगता है, जिससे स्कर्ज बिना फाइट करे ट्रांसवर्प की को लेकर वहां से भाग निकलता है और सीधा यूनिक्रॉन के पास जाकर उस की को दे देता है। लेकिन यूनिक्रॉन उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो ट्रांसवर्प की आधी थी, यानी उसका दूसरा हिस्सा कहीं और था, और जब तक ये की पूरी नहीं होती तब तक उससे पोर्टल खोलकर कहीं जाया नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ एरेजर बताती है कि हम मैक्सिमल्स हजारों साल पहले अपने प्लेनेट से भागकर धरती पर आ गए थे क्योंकि स्कर्ज और यूनिक्रॉन ने हमारे प्लेनेट को तबाह कर दिया था, और फिर उसके बाद में हमने ट्रांसवर्प की को सेफ रखने के लिए उसे दो हिस्सों में बांट दिया और फिर सारे मैक्सिमस अलग होकर छुप गए। लेकिन अब मुझे ये पता नहीं है उस ट्रांसवर्प की का दूसरा हिस्सा कहाँ है। तभी एलिना कहती है कि शायद वो पेरू में हो सकता है क्योंकि मुझे उस चील के स्टैचू पर एक निशान मिला था और ये निशान मैंने पेरू के एक पुराने टेम्पल के अंदर भी देखे थे। फिर ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि तब हमें स्कर्ज से पहले उस की को हासिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर एक और ऑटोबॉट आता है जो एक एरोप्लेन था। फिर ये सब बम्बल बी की बॉडी को लेकर उस ऑटोबॉट के अंदर बैठ जाते हैं और पेरू की तरफ निकलते हैं, और वहाँ पहुँचने पर वो वीर जैक नाम के एक और ऑटोबॉट से मिलते हैं, और फिर ये सब प्लान करते हैं कि एलिना और नोआ ट्रांसवर्प की के दूसरे हिस्से को ढूंढेंगे और ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स बाहर से उन दोनों पर नजर रखेंगे और जरूरत पर उनकी मदद करेंगे। इसके बाद एलिना और नोआ उस प्राचीन मंदिर के अंदर चोरी छिपे जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहां पर उस ट्रांसवर्प की का दूसरा हिस्सा नहीं है। तभी वहां स्कर्ज और उसके साथी भी आ जाते हैं। फिर स्कर्ज अपने मकड़ियों जैसे दिखने वाले छोटे रोबोट्स को एलिना और नोआ को मारने भेज देता है,
और उधर ऑप्टिमस प्राइम की टीम स्कर्ज और उसके साथियों से लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि स्कर्ज एयरेजर की बॉडी पर अपना एक डिवाइस चिपका देता है, लेकिन फिर भी एयरेजर उन सब के आगे आग बरसाकर ऑप्टिमस प्राइम और बाकी ऑटोबॉट्स के साथ वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एलिना और नोआ उन मकड़ियों से बचकर एक जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ पर उनके सामने वही गोरिल्ला खड़ा होता है जो मैक्सिमल्स का लीडर था, और इस गोरिल्ला का नाम होता है ऑप्टिमस प्राइमल। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ ऑप्टिमस की टीम और बाकी मैक्सिमल्स भी आ जाते हैं और एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, लेकिन फिर एरेजर ऑप्टिमस प्राइम को समझाती है कि ये सारे मैक्सिमल्स हैं। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइम मैक्सिमल्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइमल से उस ट्रांसवर्प की के बारे में पूछता है। तब वो बताता है, मैं जानता था कि कोई उस मंदिर के अंदर से ट्रांसवर्प की के हिस्से को लेने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने पहले से ही उसे कहीं दूसरी जगह छुपा दिया था। इसके बाद ऑप्टिमस प्राइमल सबको एक प्राचीन कबीले के पास ले जाता है और उन्हें बताता है कि मैं बहुत सालों से इन कबीले वालों के साथ हूं और मुझे इन पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने ट्रांसवर्प की का हिस्सा इनके पास छुपा दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एरेजर को अचानक से कुछ होने लगता है। स्कर्ज ने जाने से पहले उसकी बॉडी पर जो डिवाइस चिपकाया था, अब उसी की वजह से ही वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी। इसके बाद वो ट्रांसवर्प की के उस हिस्से को लेकर सीधा स्कर्ज को दे देता है। फिर स्कर्ज उस हिस्से को लेकर वहां से चला जाता है और अब इधर एरेजर बुरी बन चुकी थी, इसलिए ऑप्टिमस प्राइमल को उसे मारना पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अब जंगल के एक खाली जगह पर स्कर्ज उस ट्रांसवर्प की के दोनों हिस्सों को जोड़कर उससे एक पोर्टल खोलने लगता है ताकि यूनिक्रॉन यहाँ पर आ सके। तब ऑप्टिमस प्राइमल कहता है कि इसको रोकने के लिए हमें एक कोड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस कोड को अब तक किसी ने नहीं देखा। तभी एलिना कहती है कि मुझे वो कोड मालूम है। जब एलिना और नोआ उस प्राचीन मंदिर के अंदर गए थे तो वहाँ पर एलिना को कुछ साइन मिले थे जो कि बिल्कुल कोड की तरह लग रहे थे। अब इतने में स्कर्ज की फौज भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर ऑप्टिमस प्राइमल एलिना और नोआ से कहता है कि तुम दोनों सीधा उस पोर्टल तक जाओ और उस एक्सेस कोड का यूज करके पोर्टल को खुलने से रोको। इसके बाद यहाँ पर सारे ऑटोबॉट्स और मैक्सिमल्स मिलकर स्कर्ज की आर्मी से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जब एलिना और नोआ सुरंग से जा रहे होते हैं तो तभी बीच में स्कर्ज नोआ को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मिराज आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद मिराज स्कर्ज का सामना करता है, लेकिन स्कर्ज मिराज को मार देता है। लेकिन फिर भी मिराज पूरी तरह से नहीं मरता और अब वो एक सूट में ट्रांसफॉर्म होकर नोआ की बॉडी से मर्ज हो जाता है और नोआ को भी एक सुपर सूट मिल जाता है। तभी वहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है और नोआ के साथ मिलकर स्कर्ज से लड़ने लगता है। अब इसी बीच उस पोर्टल से एक इतनी पावरफुल वेव निकलती है कि उसके कॉन्टेक्ट में आते ही बम्बलबी दोबारा से जिंदा हो जाता है और अपनी टीम के साथ मिलकर स्कर्ज की फौज का सामना करता है। वहीं एलिना भी उस पोर्टल के कंट्रोल्स तक पहुंच जाती है और उस कोड को उसमें एंटर कर रही होती है कि तभी स्कर्ज उन कंट्रोल्स को ही तबाह कर देता है, जिससे उस पोर्टल को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिसे देखकर ऑप्टिमस प्राइम को बहुत गुस्सा आता है और वो स्कर्ज का सर धड़ से अलग कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यूनिक्रॉन उस पोर्टल से अर्थ में एंटर कर रहा होता है, जिसके बाद ऑप्टिमस प्राइम अपने टीम मेंबर्स को पोर्टल से दूर भेज देता है और फिर वो उस ट्रांसवर्प की को ही तबाह कर देता है, जिससे वो पोर्टल भी बंद होने लगता है। लेकिन अब यूनिक्रॉन सभी चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसमें ऑप्टिमस प्राइम भी उसकी ओर खींचा जा रहा था, लेकिन सही टाइम पर नोआ और ऑप्टिमस प्राइमल आकर उसे पकड़ लेते हैं और वहां से बहुत दूर भाग जाते हैं। और इसी तरह पोर्टल के बंद होने के साथ यूनिक्रॉन भी अर्थ में नहीं आ पाता और अब ट्रांसवर्प की के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से ऑटोबॉट्स अपने घर नहीं लौट सकते हैं, इसलिए अब ये सब पृथ्वी को ही अपना घर मानकर हमेशा इसकी रक्षा करने का फैसला करते हैं। फिर एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नोआ और उसका फ्रेंड मिलकर दोबारा से मिराज को रिपेयर करके उसे वापस सही कर देते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप हमारी ये वाली मूवी देख सकते हैं।